नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले के लिए आज बड़ी अच्छी खबर है कि पहला कोरोना पॉजिटिव केस अब नेगेटिव हो गया है। जी हां, 25 अप्रैल को नाथद्वारा के करौली गांव में मिला युवक अब नेगेटिव हो गया है, जो जिले वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। CMHO डॉक्टर JP बुलकर ने बताया कि RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में उक्त युवक को कोरोना आइसोलेशन वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी कुछ दिन और युवक चिकित्सा कर्मियों की निगरानी में ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि वह मुंबई से ट्रक में बैठकर राजसमंद आया था और पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद उसको उदयपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां अब जांच में वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक 940 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 2 पॉजिटिव और 831 की रिपोर्ट नेगेटिव हैं, तथा 102 लोगों के सैंपल की जांच रिपोर्ट आनी शेष है। शनिवार को राजसमंद चिकित्सालय में 35 और नाथद्वारा अस्पताल में 36 नए कोरोना संदिग्ध आए हैं, जिनके नमूने लेकर जाँच के लिए उदयपुर भेज दिए गए हैं। लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा तंबाकू बेचने पर नाथद्वारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाथद्वारा बस स्टैंड पर स्थित दुकान से चोरी छिपे तंबाकू बेचने की मुखबिर से सूचना मिलते ही ASI रविंद्र सिंह मय जाप्ता सुखाड़िया नगर निवासी लोकेश भाटिया सिंधी की दुकान पर दबिश दी। दुकान से तंबाकू व विभिन्न ब्रांड के बीड़ी के 53 कर्टन जब्त किए। इस पर पुलिस ने लोकेश भाटिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में ASI गोपीराम, प्रताप राम, नरेंद्र कुमार, कपिल कुमार भी शामिल था। लॉकडाउन में आहत को राहत देने में प्रशासन के साथ विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता भी उत्साह से कार्य कर रहे हैं। गुजरात से सीकर जा रही बस केलवा के पास खराब हो गई, जिस पर उसमें सवार लोगों के लिए तत्काल राहत सामग्री के लिए युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश भार्गव और उनकी टीम पहुँच गई। उनके लिए दूसरे वाहन की व्यवस्था कर उसकी स्वीकृति उपखंड प्रशासन द्वारा जारी करवाकर सीकर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान परमेश्वर टेलर, नवल देवड़ा, आशीष सिंह देव राठौड़, कांस्टेबल अशोक विश्नोई आदि जुटे रहे। इसके अलावा युवा कांग्रेस प्रदेश पूर्व महासचिव दिग्विजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में युवा टीम जरूरतमंदों को राशन व अन्य जरूरी उत्पाद उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। भीम थाना पुलिस ने लॉकडाउन में शराब की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भीम CI गजेंद्र सिंह ने बताया कि तस्करों द्वारा चुन्ना का भट्टा के पास एक बाइक सवार समेलिया निवासी प्रकाश सिंह रावत को 10 लीटर हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसी तरह गंगा जी का खेड़ा से कुंडाल की गुआर जाने वाले मार्ग से कुंडाल की गुआर निवासी प्रवीण सिंह रावत को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 5 लीटर हथकड़ शराब मिले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शराब जब्त कर ली है। नर्स व डॉक्टर को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से भीम व देवगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्थ सहयोग से खरीदे गए अत्याधुनिक थर्मामीटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताल के चिकित्सकों को उपलब्ध करवाए गए। पूर्व मंत्री डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा प्रदान किए गए। इस दौरान विक्रम सिंह चुंटावत, भंवर सिंह सिरोला, घनश्याम तिवारी, छगनलाल जिनकर, प्रकाश वैष्णव, राजू खट्टाना, धनालाल सेन, वीरेंद्र सिंह, टील सिंह, अजीत सिंह आदि मौजूद थे। इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।